उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हम अपनी तरफ से अपने सभी संगठन के साथियों से और अपनी पार्टी के सभी नेताओं से और संगठन के पदाधिकारियों से एक एक साथी से हम निवेदन करने आए हैं। जहां हमारे एक प्रत्याशी राजा रामपाल जी लड़ रहे हैं, दूसरे आलोक मिश्रा जी लड़ रहे हैं, इन दोनों की मदद करना और आज के बाद अपने बूथ पर तैयारी करना है। बताओ अपने बूथों पर तैयारी करोगे? अगर शासन और प्रशासन रुकावट पैदा करे तो घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? ये कानपुर वाले हैं, इन्हें सब रास्ता पता है, बूथ पर कैसे जाया जाता है। बूथ पर पहुंचोगे अपना वोट डालने? आज के बाद घर घर जाकर के हमारी अपील, हमारा निवेदन करोगे सबसे? ये केवल चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है। ये चुनाव संविधान बचाने का है। संविधान के साथ साथ जो हमें अधिकार और न्याय मिलता है, वो न्याय और अधिकार को अपने सुरक्षित रखने का भी चुनाव है। इसलिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि कानपुर वाले इस बार रिकॉर्ड मतों से आलोक मिश्रा जी को जिताएंगे। जिताओगे आप लोग? कोई गलती तो नहीं करोगे? पीछे तो नहीं रह जाओगे वोट डालने में? इसलिए वोट डालिए, और जो आपका साथ में आसमान में गुस्सा है वो वोट डाल करके उतारने का काम करना। मैं आप सबसे, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आप सबको संबोधित करेंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, अविनाश पांडे जी, सुहासिनी अली जी, नौशाद जी, हाजी फजल महमूद जी, अमिताभ वाजपेयी जी, हसन रूमी जी, हमारे कैंडिडेट्स आलोक मिश्रा जी, राजा रामपाल जी, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, बब्बर शेर, जो सारे के सारे मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत जोश है आप में। मैं शुरुआत में ही कह देता हूं, पिछले 2-3 साल से हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर लड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की 4000 किलोमीटर चले, कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मणिपुर से महाराष्ट्र, लाखों लोगों से हमने बातचीत की, एक साथ चले, और जो हमारा मैनिफेस्टो बना है वो आपकी देन है, आपकी आवाज है, आपकी सोच है। भाइयों और बहनों, शुरुआत में मैं आपको कह देता हूं, जो बात आपको हिंदुस्तान की मीडिया कभी नहीं कहेगी, मगर जो बात सच है, 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।
आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है, और बाकी देश में, हर प्रदेश में हमने बीजेपी को रोका है। ये जो मीडिया वाले हैं, अदानी के हैं, ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। ये हमारे भाई हैं, इनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मगर इनको सैलरी लेनी है बिचारों को, इसीलिए ये सच्चाई नहीं लिख सकते। बच्चे पालने हैं इनको, मगर अगर आप अभी इनके चेहरे देखोगे तो ये भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता लग रहा है कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। खत्म कहानी। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय थैंक यू, ये सच्चाई है। अब कानपुर की जनता, आप देखो आपके साथ इन्होंने क्या किया। आप मैनचेस्टर कहलाए जाते थे, मैनचेस्टर का आप मुकाबला करते थे, आप में वो क्षमता है, आपके कारीगरों में, आपके कारखानों में वो क्षमता है कि वो किसी को भी चैलेंज कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, मेड इन कानपुर के सामने मेड इन चाइना नहीं टिक सकता है, कभी नहीं टिक सकता है। मगर नरेंद्र मोदी जी ने अदानी को बचाने के लिए, अदानी के धन के लिए, अदानी की जमीन के लिए आपका कानपुर का सिर्फ हाथ नहीं, हाथ और गला काटा है। गलत जीएसटी लागू करके, नोटबंदी करके कानपुर को उन्होंने खत्म किया है। मेड इन इंडिया की बात करते हैं, मेड इन इंडिया आप ही तो हो, मेड इन इंडिया, मेड इन कानपुर ही तो है, मेड इन मुंबई, मेड इन लखनऊ, मेड इन चेन्नई, मेड इन बेंगलोर, यही तो है मेड इन इंडिया। सारे के सारे मेड इन इंडिया को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया, 5 अलग अलग जीएसटी लगा दी। आप किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, किसी भी मजदूर से पूछ लो, किसी भी कारीगर से पूछ लो, जीएसटी से, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ वो आपको बता देगा। हमें खत्म कर दिया, हमारे बिजनेस को खत्म कर दिया, क्यों? अदानी के लिए। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अदानी का कर्जा माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कानपुर के कारीगरों का, छोटे बिजनेस वालों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों का कितना कर्जा माफ किया? आपने क्या गलती की? यहां आपकी जमीन दे दी अदानी को, दी 500 एकड़ आपकी जमीन उठा के दे दी, एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री सारी की सारी उनको दे दी। आपको कहते हैं भाइयों बहनों थाली बजाओ, कोविड आता है, कोविड आता है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गंगा में लाशों के ढेर, और नरेंद्र मोदी की पार्टी कोविड वैक्सीन बनाने वालों से, जब आप लोग मर रहे थे तब पैसा ले रहे थे,
करोड़ों रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी ने कोविड वैक्सीन वालों से पैसा लिया। आप मर रहे थे, उन्होंने आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा मोबाइल फोन की लाइट चलाओ, अदानी को कहते हैं पैसा गिनो, टेम्पो में भेजो मुझे। उनको कैसे मालूम कि अदानी टेम्पो में पैसे भेजता है, कैसे पता उनको? और भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, नोटबंदी वाले प्रधानमंत्री ने बोला कि अदानी और अंबानी काला धन देते हैं, तो मोदी जी अगर अदानी और अंबानी काला धन देते हैं तो आपने उन पर सीबीआई ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो आपके मित्र हैं, उनके हवाई जहाज में आप खूब उड़े। 10 साल अदानी अंबानी का नाम नहीं लिया। मगर भाई और बहनों, मैंने छोड़ा नहीं, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। अंत में नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, कांपते हुए कहता है अदानी अंबानी का नाम पब्लिक में लेता है। अदानी और अंबानी का नाम जिस दिन प्रधानमंत्री ने ऐसे स्टेट से ले ली, उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हार मान ली। मैं बता रहा हूं, आप लिख लो, मीडिया वाले लिख लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अब भैया, 2-3 चीजें आपको कहनी है। नरेंद्र मोदी ने अरबपति बनाए, हमें मेड इन चाइना का मुकाबला करना है। और मैं कानपुर के युवाओं से यह कहने आया हूं, और सिर्फ कानपुर नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में बहुत शहर हैं जो मेड इन चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, और उनमें से आप एक हो। भाई और बहनों, जब तक हमने जो नरेंद्र मोदी वाली हथकड़ियां हैं, जब तक उन हथकड़ियों को हमने नहीं तोड़ा, तब तक मेड इन कानपुर नहीं बन सकता है। मैं आपको प्लान देने आया हूं। पहला कदम, ये जो गलत जीएसटी लगा रखी है, अदानी वाली जीएसटी, 5 अलग अलग टैक्स, छोटे बिजनेस वालों पर टैक्स, किसानों पर टैक्स, गरीबों पर टैक्स, इस जीएसटी को हम बदलने जा रहे हैं। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, और अदानी और अंबानी के फायदे वाला टैक्स नहीं होगा। छोटे बिजनेस वालों के फायदे का टैक्स होगा, किसानों मजदूरों के फायदे का टैक्स होगा। दूसरी बात, बैंक के दरवाजे कानपुर के कारीगरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए नरेंद्र मोदी ने बंद किए, अदानी के लिए अंबानी के लिए खोले। हमारी सरकार आएगी तो ये जैसे जो लाल कालीन है ना बैंक में, वैसी लाल कालीन लगेगी कानपुर के छोटे बिजनेस वालों के लिए। अभी आपको कहते हैं, जब आप जाते हो बैंक लोन के लिए, आपको कहते हैं गेट आउट। हमारी सरकार आएगी, लाल कालीन लगेगी, सलूट मारेंगे, कहेंगे भैया आप कितना पैसा चाहते हो, कितना बैंक लोन चाहते हो, मेड इन कानपुर बनाना है, मेड इन इंडिया बनाना है, आप बताइए। मेड इन कानपुर के बिना मेड इन चाइना का मुकाबला नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूं। और हिंदुस्तान को मेड इन चाइना का मुकाबला करना है। मेरा सपना है कि ऐसे मोबाइल फोन पे चाइना में एक युवा ऐसे मोबाइल फोन को देखे और उस मोबाइल फोन के पीछे देखे और उस पर लिखा हो
मेड इन कानपुर। और फिर वो कहे कि भाई ये कानपुर जगह कहां है, और फिर यहां आकर कानपुर में टूरिस्ट बनकर कानपुर के युवाओं को टूरिज्म का पैसा दे। आज क्या हो रहा है भाई और बहनों, ये चाइना का फोन है। नरेंद्र मोदी ने चाइना की मदद की, चाइना के फोन बनाए। अदानी फायदा लेता है, अंबानी फायदा लेता है, चाइना की कंपनियां फायदा लेती हैं, आप लोगों का नुकसान होता है, कानपुर के युवाओं का नुकसान होता है। हम इस बात को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेड इन इंडिया हो, हिंदुस्तान के युवाओं को फायदा हो, हमारा माल चाइना के युवा खरीदे। ये बदलाव हम चाहते हैं, और ये बदलाव ये नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता, बीजेपी नहीं कर सकती। तीन चीजें हम करने जा रहे हैं। यहां महिलाएं आई हैं, अब युवाओं को बात समझ आई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या करना चाहते हैं देश के लिए, अब आपको समझ आई बात। मोदी गया, अब सुनिए देखिए, यहां पे महिलाएं आई हैं, पुरुष भी आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, 21वीं सदी में आप भी काम करते हो, पुरुष भी काम करते हो, महिलाएं भी करती हैं। आप भी मजदूरी करते हो, महिलाएं भी करती हैं। आप भी खेतों में काम करते हो, महिलाएं भी करती हैं। आप भी जॉब करते हो, महिलाएं भी करती हैं। मगर जॉब करने के बाद जो हमारी माताएं बहनें हैं वो घर में 8 घंटा एक्स्ट्रा काम करती हैं। अब आपने ताली नहीं बजाई, वो अगर आप 8 घंटा काम करते हो 16 करती हैं, अगर आप 10 करते हो वो 20 करती हैं, और वो देश के भविष्य की रक्षा करती हैं। इसीलिए हम महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं। वो 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, उस महिला के बैंक अकाउंट में 10,000 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50, 60, 70, 80, 90,000 नहीं, 1,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा। भाई और बहनों, 1 तारीख को हजारों लाखों परिवार अपने बैंक अकाउंट को देखेंगे और ठका ठक 8,500 रुपए अंदर। ये क्या समझ रखा है नरेंद्र मोदी ने कि यही पैसा बांट सकता है, ये अदानी को दे सकता है, ये अंबानी को दे सकता है, तो हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को दे सकते हैं। मीडिया वाले कहते हैं देखो मनरेगा दिया, मीडिया में सारे के सारों ने कहा देखो ये गरीबों को बिगाड़ रहे हैं। हमने कर्जा माफी की किसानों की, कहते हैं देखो किसानों को बिगाड़ रहे हैं। अदानी का कर्जा माफ होता है, मीडिया वाले कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है। अंबानी को जमीन मिलती है किसानों की 1,000 एकड़ 2,000 एकड़, कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है। अब आपको जो कहना है कह लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की जितनी फोटो दिखानी दिखा दो, दिन भर चलाओ। हम ना बैंक अकाउंट में ठगा ठग डालेंगे पैसा। यहां युवा आए हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की पहली नौकरी पक्की, ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में साल के 1,00,000 रुपए,
पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में आपको पहली नौकरी पक्की मिलेगी एक साल की। ये जो नरेंद्र मोदी ने दीवार बना रखी है ना, बेरोजगार की दीवार, इसको हम उड़ा के फेंक देंगे। आपसे कहते हैं भाइयों और बहनों, अदानी से कहते हैं, अदानी जी क्या चाहिए आपको? आपको जमीन चाहिए, आपको हिंदुस्तान की रेलवे चाहिए, आपको एयरपोर्ट चाहिए, आपको आर्मी चाहिए, आपको अग्निवीर चाहिए, ले। और आपको कहते भैया पकौड़ा बनाओ, आपको कहते पकौड़ा बनाओ, आपको कहते हैं भाइयों और बहनों नाले में से गैस निकालो, खाना पकाओ। अदानी से कहते हैं जो चाहिए ले लो। इनका काम आपके ध्यान को भटकाने का है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम मंदिर में आपने अमिताभ बच्चन ये सब देखे ना? देखे? हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम देखी? अदानी देखा, अंबानी देखा, बिरला टाटा सब देखे? किसान देखा, मजदूर देखा, बेरोजगार युवाओं की लाइन देखी, आदिवासी, दलित, पिछड़े देखे, गरीब, जनरल कास्ट के लोग देखे? एक नहीं देखा। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति से कहा गया, तुम आदिवासी हो, तुम यहां नहीं आ सकती, चेहरा आज नहीं दिखाना। मैंने बात उठाई, मैंने कहा हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को आपने राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं भेजा। दो तीन बार मैंने कहा, फिर नरेंद्र मोदी ने स्पेशल एयरक्राफ्ट से उनको राम मंदिर भिजवा दिया। पार्लियामेंट खुलता है, पूजा होती है, उधर आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं, एक किसान नहीं, एक मजदूर नहीं। और पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में आपको हमारी राष्ट्रपति का चेहरा नहीं दिखा। कैसा हिंदुस्तान है? अरबपतियों का हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हम। हम किसानों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट की मदद करने वाला हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान चाहते हैं। किसानों को नरेंद्र मोदी ने इतनी बुरी तरह मारा पिछले 10 साल, हम किसानों को गारंटी करके कानूनी जीएसटी देंगे, उनका कर्जा माफ करेंगे, ले। मजदूरों को मनरेगा में 2250 रुपए, चुनाव के बाद 400। ठेकेदारी प्रथा, सरकार में, पब्लिक सेक्टर में हम खत्म करने जा रहे हैं। सरकार में, पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिलेगी, परमानेंट नौकरी मिलेगी, ठेकेदारी वाली नौकरी नहीं मिलेगी। भाई और बहनों देखिए, ये जो है ना, ये संविधान है। जो भी आपको मिला है ना, जमीन का अधिकार, रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर नौकरी, इलाज, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, आजादी, लोकतंत्र, इस किताब ने दिया आपको, ये इसने दिया है, ये अंबेडकर जी ने दी, महात्मा गांधी जी ने दी, और ये हिंदुस्तान की जनता ने दिया है ये किताब। इसमें आपकी आवाज है, ये आपकी आत्मा है, ये आपका दिल है, ये आपका भविष्य है। इसको नरेंद्र मोदी फाड़कर फेंकना चाहते हैं, इसको आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, आरएसएस छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस किताब को छू के दिखा दे। नरेंद्र मोदी, आप हिंदुस्तान को नहीं समझे। ये हमारी आवाज है, ये हमारी आत्मा है, ये हमारा भविष्य है,
इस पर कोई शक्ति हाथ नहीं लगा सकती। भाई और बहनों, इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रहा है। यहां अखिलेश जी बैठे हैं, समाजवादी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, बाकी पार्टियों के नेता, हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता एक बन गए हैं। आमतौर से क्या होता है, आप जंगल में जाते हो, एक बब्बर शेर दिखता है, दूसरा बब्बर शेर उसके पास कभी नहीं आता। यहां पे हजारों बब्बर शेर एक साथ खड़े हुए हैं। अभी ये शिकार करने निकलेंगे, आरएसएस बीजेपी के विचारधारा का शिकार होगा। भाई और बहनों, दिल लगा के लड़ना है। इसके लिए, रिजर्वेशन के लिए, संविधान के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लिए, सब मिलकर हम लड़ेंगे। अदानी की सरकार हटानी है, नरेंद्र मोदी की सरकार हटानी है। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी आप लोगों ने। धन्यवाद। जय हिंद। की खातिर